हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि जो आरंभ संस्था है वो बच्चों के लिए कार्डबोर्ड की मदद से डेस्क तैयार करती है। फिर उसके बाद में उनके लिए कार्डबोर्ड की मदद से ही ये इस तरह के बैग्स तैयार करते हैं। ठीक है, ये भी कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाए गए हैं, जिसमें कि आराम से बच्चा अपना लंच बॉक्स भी रख सकता है और पेंसिल बॉक्स भी रख सकता है। तो देखिए, अ चाइल्ड हैज़ अ स्टडी टेबल एंड अ बैग फॉर ओनली 10 रुपीज़। तो देखिए, इन दोनों चीज़ों के लिए कितने रुपए लगते हैं? सिर्फ 10 रुपए में। और ये जो प्रोडक्ट है उनका बहुत ही इकोनॉमिकली यानी कि फाइनेंशियली अफोर्डेबल है उन पेरेंट्स के लिए जो कि अपने बच्चों को एक अच्छा बैग या फिर एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे थे। तो देखिए, यहाँ पे जो आरंभ संस्था है, जो NGO है, वो इस तरह से इन बच्चों की हेल्प करता है। तो देखिए, आफ्टर आरंभ मेड दिस इन्वेंशन, यानी कि आरंभ की इस इन्वेंशन को करने के बाद में इट्स टीम स्टैक्ड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हेल्पलेस इन अ व्हीकल एंड वेंट टू द रिमोटेस्ट एंड मोस्ट इम्प्रोवाइज्ड प्लेसेस इन महाराष्ट्र, डिस्ट्रीब्यूटिंग द मैजिक प्रोडक्ट टू द स्कूल किड्स। यानी कम से कम 100 और हजारों ऐसे हेल्प डेस्क बनाने के बाद में जो आरंभ संस्था है, जो संगठन है, इसको एक व्हीकल पर रखता है, यानी कि और उन स्कूलों में, दूरस्थ स्कूलों में पहुंचाते हैं महाराष्ट्र के में, जहां पर बच्चों को इनकी ज़रूरत थी। द स्माइल एंड जॉय द सरफेस ऑन ईच किड्स फेस एज ही शी रिसीव्ड दिस अनलाइकली गिफ्ट एज स्कूल एट स्कूल इस वाज आरंभ अल्टीमेटली एम्स फॉर। यानी कि इस तरह से आरंभ अपनी इसको जो वो चाहती थी कि बच्चे पढ़ना स्टार्ट करें, यानी कि हर बच्चे के लिए शिक्षा हो, वो अपने इस उद्देश्य को प्राप्त कर लेती हैं और बच्चों को इस तरह के कार्डबोर्ड के डेस्क और बैग्स प्रोवाइड कराने में सफल हो जाती हैं। हैंस दे वर एबल टू हेल्प हंड्रेड्स ऑफ किड्स गेट एजुकेशन मोर कम्फर्टेबली एंड चेयरफुली। यानी कि हजारों बच्चों, सैकड़ों बच्चों को इस तरह से उनकी मदद से शिक्षा प्राप्त होती है। दिस ग्रेट रिवोल्यूशन एट द ग्रास रूट्स लेवल हैज़ चेंज द वे द क्लासरूम्स लुक एंड फंक्शन इन द मोस्ट बैडली मैनेज एंड फंडेड स्कूल इन द रूरल इंडिया। यानी कि इस तरह से जिन स्कूल्स को मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, उन स्कूल्स की पूरा नक्शा बदल के रख दिया इस हेल्प ने उनकी ने। देखिए, पुअर चिल्ड्रेन ट्राइंग टू गेट एजुकेशन इन इंडिया फेस प्रॉब्लम्स ऑन अ डेली बेसिस। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट दैट देयर पेरेंट्स डिमांड देम टू अर्न एंड सपोर्ट द फैमिलीज, हैंस मैनी ऑफ देम ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल इवन बिफोर दे टर्न 10। वी ऑफन सी सच किड्स सिटिंग ऑन फुटपाथ एंड पॉलिशिंग शूज, सेलिंग बलून्स एट ट्रैफिक सिग्नल्स और वर्किंग एट होटल्स। तो देखिए, ये तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन उसके बाद में भी हम भारत में ऐसे गरीब लोगों को अपने डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं जो कि शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, पढ़ाई से दूर रहते हैं। ये एक खुला रहस्य है जो कि सभी लोग जानते हैं, सभी को पता है कि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि अपने बच्चे को पैसे कमाने के लिए मजबूर करती हैं और कहती हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। इस तरह से वो अपने बच्चे को 10 साल का होने से पहले ही स्कूल से निकाल लेते हैं और उनकी मदद करने के लिए अपने साथ लगा लेते हैं। तो देखिए, इस तरह के बच्चों को हम देखते हैं कि फुटपाथ पर बैठे हुए, जूतों पर पॉलिश करते हुए, या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स पे बलून्स को बेचते हुए, या फिर होटलों में काम करते हुए। द एब्सेंस ऑफ डिस्क ऑफ डेस्क ऑफ ब्लैकबोर्ड्स इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम दैट कंटिन्यूज टू ऑल द स्कूल इन रूरल इंडिया। यानी कि हम भारत में देखते हैं कि सिर्फ ब्लैकबोर्ड और डेस्क ही प्रॉब्लम नहीं है जो कि भारत में है बच्चों जो कि पढ़ाई के बीच में आती है। द लेक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैव नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एट ऑल और सफ़र फ्रॉम फ्रीक्वेंट पावर कट्स। यानी कि बिजली के चले जाना, बिजली ना होना और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ यानी कि वॉशरूम्स की कमी, सभी को पता है कि बहुत सारे स्कूल्स में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि बच्चे पढ़ाई से दूर रहते हैं।
Many classrooms do not have any fans or lights. बहुत सारे क्लासरूम्स में पंखे नहीं हैं, लाइट्स नहीं हैं, वाइल अदर्स सिंपली हैव रूफ्स मेड ऑफ कैरीगेटेड टिन सीट्स, यानी कि टिन सीट सभी जानते हैं जो कि बहुत थोड़ी सी हवा चलने पर आवाज़ करती रहती है, यानी उनमें गर्मी कितनी लगती होगी, कैन यू कैन इमेजिन। तो देखिए, टुगेदर वी कैन चेंज द पिक्चर बाई सपोर्टिंग NGOs that are genuinely working towards improving the quality of education that is imparted to the underprivileged children in India. yani ki iska matlab sirf itna sa hai, is chapter ko padhne ke baad mein hame ye samajh mein aata hai ki jo bachche padhai se vanchit reh jate hain bharat mein, hum sabhi unki madad kar sakte hain। हम सभी किस किस तरह से मदद कर सकते हैं उनकी, यानी कि जो NGOs वर्किंग में है, जो हमारे देश में NGOs चल रहे हैं, जो संस्थाएं संगठन ऐसे लोगों की मदद करते हैं बीमारियों में, पढ़ाई में, गरीबी में, जिससे कि हम उन लोगों की मदद करें, NGOs को मदद करें और NGOs उन लोगों तक अपनी मदद पहुंचाएं। इस तरह से हम अपनी जो भारतीय शिक्षा है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, टेक केयर, बाय बाय।